हाय गाइस, आप स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा और आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 15,000 से 20,000 रुपए के रेंज में इस महीने। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक और लिस्ट बनाई थी इस महीने की तबाही फोन हमारे 15,000 रुपए की रेंज में। अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। काफी लोग कमेंट करते हैं कि आप हमें 5 फोन ना बताएं, कोई एक फोन बता दें, हम उसी फोन को ले लेंगे। मैं आपको कोई एक फोन नहीं बता सकती हूं, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चॉइस होगी। मैं अभी जो आपको लिस्ट में बताती हूं, वो अलग अलग फोन होते हैं। ये सारे फोन बेस्ट हैं, पांचों के पांचों, लेकिन इनमें एक अलग अलग चीज आती है। कोई हमारा होता है बेस्ट बैटरी फोन, कोई होता है बेस्ट गेमिंग फोन, कोई होता है बेस्ट सेल्फी फोन, और ऐसे ही आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोगों को बढ़िया कैमरे वाला फोन चाहिए होता है, कुछ लोगों को बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए होता है, कुछ लोगों को एकदम स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस चाहिए होता है। तो मैं आपको कोई एक फोन कैसे बता सकती हूँ? मैं आपको इस लिस्ट के अंदर और सारी लिस्टों के अंदर ऐसे ही 5 फोन बताऊंगी, जिसमें से एक बेस्ट कैमरा वाला होगा, बैटरी वाला होगा, ताकि आप उसको खुद चूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 5वीं पोजीशन पे बेस्ट सेल्फी कैमरा वाला डिवाइस, जो कि ये है हमारा Vivo का V15। इसके अंदर हमें मिलता है पॉपअप स्टाइल में सेल्फी कैमरा, वो भी 32 मेगापिक्सल का। पहले तो सेल्फी कैमरा जो पॉपअप स्टाइल में होता है, उसको यूज करने में बहुत ही मजा आता है, एकदम शो ऑफ करने के लिए बढ़िया चीज है। साथ ही आप देख ही सकते हैं, सैंपल्स आपके सामने हैं, हमारी बढ़िया सेल्फीज आती हैं इसके अंदर, इतनी सारी आप एडिटिंग कर सकते हैं पिक लेने से पहले। मोड्स मिलते हैं, इफेक्ट्स मिलते हैं, कि आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा पिक लो, अपलोड करो। साथ में बैक में हमें ट्रिपल कैमरा मिलता है 12+8+5 का, उसके अंदर भी हमारी बढ़िया पिक्स आती है, आपको वाइड एंगल में जाता है, पोर्ट्रेट सैंपल्स आप देख सकते हैं आपके सामने। साथ में इस डिवाइस के अंदर बढ़िया चीजें आती है कि 6.53 इंच का अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले, जिसके अंदर कोई नॉच नहीं है, कोई वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन नहीं है, अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है। आप गेम्स को, वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। साथ ही फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें हीलियस P70 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इस डिवाइस का मैंने गेमिंग रिव्यू, चार्जिंग टेस्ट और ड्रेन टेस्ट, काफी सारी टेस्टिंग करी हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही इसके अंदर हमें 4000mAh की बैटरी मिलती है, उसके साथ फास्ट चार्जर भी मिलता है। डिवाइस ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें एक जबरदस्त ऑफर भी मिल रही है। ये पहले हमारा 20,000 रुपए का डिवाइस था, अभी आपको इसके ऊपर 3,000 रुपए का एक्सचेंज मिल रहा है, उसके साथ 10% कार्ड डिस्काउंट। तो कुल लगा के ये डिवाइस आपको लगभग 16,000 रुपए में मिल जाएगा, इसका 6GB रैम, 64GB वाला वेरिएंट। कमी डिवाइस के अंदर ये आ जाती है कि इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन एक्चुअल में डिजाइन और लुक इस डिवाइस का बहुत ही बढ़िया है। जिनको भी बढ़िया सेल्फीज लेनी है, स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस चाहिए, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब चौथी पोजीशन पर आता है हमारे पास सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही भरोसेमंद डिवाइस, जो कि हमारा इस रेंज का इकलौता डिवाइस है, जिसके अंदर आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिल रहा है। ये है हमारा लेटेस्ट डिवाइस सैमसंग M40। इस डिवाइस का डिस्प्ले इसका सबसे प्यारा पॉइंट है, मतलब इसको यूज करने में बहुत ही मजा आ रहा है, मैंने इसकी काफी सारी टेस्टिंग करी है, और पंच होल है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब नॉच और वाटर ड्रॉपलेट से एक्चुअल में ये बेटर लगता है। उसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिल जाता है, तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस, पबजी परफॉर्मेंस अगर इस डिवाइस की देखनी हो, या फिर किसी भी डिवाइस की देखनी हो, तो आप मेरे TNG गेमिंग चैनल पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसके साथ हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में 32+8+5 मेगापिक्सल का, वो भी हमारी बहुत ही प्यारी पिक्स लेता है, मतलब एकदम नेचुरल बढ़िया डिटेलिंग वाली पिक्स आएंगी आपकी, वाइड एंगल भी हमें बहुत ही प्यारा मिल जाता है। साथ ही हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, उसके अंदर भी सेल्फीज बहुत ही अच्छी आती हैं, मतलब एक्चुअल में आपको, मतलब सेल्फी लेने का अगर शौक है, तो आप इसके सेल्फी कैमरा को अच्छे से इंजॉय करेंगे। उसके साथ 35mAh की बैटरी मिलती है, साथ में हमें फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है। हालांकि मुझे लगता है कि 35mAh की जगह 4000mAh की बैटरी कर देते तो ज्यादा बढ़िया हो जाता, लेकिन अभी भी ये डिवाइस आपका नॉर्मल यूजेज में एक दिन आराम से निकाल देगा। इस डिवाइस का 6GB रैम, 128GB वाला वेरिएंट जो है, वो 20,000 रुपए में आपको मिल जाएगा, इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब तीसरी पोजीशन पर आता है हमारे पास मोस्ट प्रीमियम लुकिंग डिवाइस इस रेंज का, जो कि एक्चुअल में वैसे तो 28,000 रुपए का डिवाइस था, लेकिन अभी इसके ऊपर आपको एक जबरदस्त ऑफर मिल रही है, और आपको ये 20,000 के अंडर मिल जाएगा। डिवाइस है हमारा नोकिया का 8.1, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है, एकदम स्टाइलिश,
हाथ में होल्ड करा हुआ आपने इस डिवाइस को एकदम प्रीमियम फील आएगी और ये डिवाइस के ऊपर आपको जबरदस्त ऑफर मिल रही है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी ऑफर। ये हमारा 28,000 रुपए का डिवाइस था लेकिन अभी आपको ये 18,500 रुपए में मिल जाएगा और इसके ऊपर 10% कार्ड डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस आपको 17,000 रुपए में पड़ सकता है। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप इसकी बॉडी और डिजाइन ही देख सकते हैं, इसके अंदर हमें प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है। लुक वाइज इस डिवाइस का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इस रेंज के अंदर, बहुत ही प्यारी लुक है। साथ में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 1 है इसके अंदर, तो गूगल अपडेट्स हो एंड्रॉयड अपडेट्स हो वो भी आपको इस डिवाइस में सबसे पहले मिल जाएंगे। साथ ही हमें इसके अंदर कार्ल ज़ीस का कैमरा सेटअप मिलता है बैक में 12+13 मेगापिक्सल का, वो हमारी बहुत ही बढ़िया पिक्स लेता है। मतलब इस रेंज में ये इसके कैमरा भी हमारा बहुत ही कमाल का रहेगा, आपके पिक्स के अंदर डिटेलिंग बहुत अच्छी आएगी, एकदम बढ़िया कलर्स आएंगे और साथ में जो सेल्फी कैमरा है वो भी हमारा 20 मेगापिक्सल का है, उसकी सेल्फीज भी हमारी बहुत अच्छी आती हैं और सैम्पल्स आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। साथ ही हमें इसके अंदर 6.18 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है नॉच डिज़ाइन में और उसके साथ स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर मिलता है। हालांकि ये हमारा पिछले साल वाला प्रोसेसर है लेकिन आपको इसमें ठीक परफॉर्मेंस मिल जाती है। साथ ही 35 mAh की बैटरी मिलती है आपको इसके अंदर, बैटरी भी हमारी थोड़ी सी कम है लेकिन 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है तो आप फटाफट से डिवाइस को चार्ज करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। कमी इस डिवाइस में ये आ जाती है कि इसके अंदर हमें हाइब्रिड स्लॉट मिलता है लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको मोस्ट प्रीमियम लुकिंग डिवाइस चाहिए जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए और अच्छा कैमरा मिल जाए तो आप इस डिवाइस के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप इसकी टेस्टिंग भी देख सकते हैं। अब सेकेंड पोजीशन पे भी हमारे पास सैमसंग की तरफ से एक और डिवाइस आता है जो कि भरोसेमंद डिवाइस तो है और साथ ही एक कंप्लीट डिवाइस है। आपको इस डिवाइस में सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिल रही हैं। डिवाइस है हमारा सैमसंग का A50। सबसे पहले इस डिवाइस के हम डिस्प्ले की बात करते हैं, हमें मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले है, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है हमें, साथ ही एक्सिनोस 9610 का प्रोसेसर मिलता है तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। इसका गेमिंग रिव्यू आप देख सकते हैं, एकदम जबरदस्त लेवल की इसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हैं, मतलब आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं इसके अंदर सेटिंग्स को एकदम हाई ले जाने के भी। आपको एकदम स्मूथ गेमिंग खेलनी हो तो आप HD के हाई ग्राफिक्स पे आराम से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके गेमिंग में। साथ ही इसके अंदर हमें 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ ही फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है। उसके साथ कैमरा सेटअप की बात करें तो 25+8+5 का ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें बैक में मिलता है, बढ़िया पिक्स आती है इसके कैमरास की, हमें वाइड एंगल में मिलता है, पोर्ट्रेट मोड में मिलता है और 25 मेगापिक्सल के कैमरा के पिक्स भी हमारी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। साथ ही 25 का ही आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, उसकी पिक्स भी बहुत प्यारी आती है, आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं और इसके अंदर भी आप पिक लेने के बाद बुके मोड से इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है तो अनलॉक करने में भी डिवाइस काफ़ी स्टाइलिश लगता है। और इस डिवाइस की अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट हमें 17,000 रुपए में मिल जाएगा। इसका खरीदने का लिंक और सारी टेस्टिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। कमी इसमें ये आ जाती है कि इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है लेकिन वैसे अगर आप इसका व्हाइट कलर देखेंगे, मैं तो खरीद नहीं पाई थी, मतलब ब्लैक ही खरीद पाई, लेकिन व्हाइट कलर मेरे हिसाब से आप इसका लें वो बहुत ही स्टाइलिश लगता है, एकदम बढ़िया लुक आती है उसके अंदर। तो प्लास्टिक बॉडी है लेकिन आपको लुक बहुत बढ़िया मिल जाएगी इस डिवाइस के अंदर। अब पहली पोजीशन पर आता है हमारा एक फ्लैगशिप डिवाइस जो कि बेस्ट गेमिंग डिवाइस है इस रेंज का, कोई कंपटीशन नहीं है इस डिवाइस का। डिवाइस है हमारा पोकोफोन F1। सबसे पहले तो स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस में मिलती है, साथ ही गेमिंग के लिए आपको ये सबसे बढ़िया रहेगा डिवाइस। इसके अंदर हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है जिससे कि डिवाइस आपका ज़्यादा देर गेम खेलने में भी हीटअप नहीं होगा और 4000 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी मिलती है तो आराम से गेमिंग कर सकते हो आप। उसके साथ हमें 6.18 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है तो डिस्प्ले वाइज भी आप बढ़िया तरीके से इस डिवाइस को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। साथ ही हमें कैमरा सेटअप की बात करें तो 12+5 का डुअल कैमरा सेटअप बैक में मिलता है और 20 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में मिलता है। इसके कैमरे एक्चुअल में हमारा सेल्फी कैमरा तो बहुत ही प्यारा है और साथ ही बैक कैमरे से भी पिक्स आपकी काफ़ी अच्छी आ जाती है, सैंपल्स आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। साथ ही कमी इस डिवाइस के अंदर ये आ जाती है कि प्लास्टिक बॉडी मिलती है इसके अंदर और वैसे इसके अंदर एक बढ़िया फीचर ये भी आता है कि हमें इंफ्रारेड फेस अनलॉक मिलता है, तो फेस अनलॉक मतलब आपका काफ़ी सिक्योर्ड हो गया इस डिवाइस में, आप इस डिवाइस को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
गेमिंग के लिए करना हो या वैसे मल्टीटास्किंग के लिए करना हो, आपके लिए ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और इसके ऊपर भी हमारे पास एक अच्छी ऑफर चल रही है। इसका 6GB रैम वाला जो वेरिएंट था वो 21,000 रुपये का था, उस पर 2,000 रुपये का आपको एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है और 10% कार्ड डिस्काउंट के बाद वो डिवाइस आपको 17,500 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। 17,500 रुपये में आपको बेस्ट गेमिंग डिवाइस मिल रहा है, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाला। जिनको भी ऐसा डिवाइस चाहिए वो फटाफट से ले लें, कहीं ऑफर चली ना जाए। सो गाइस, ये थी हमारी लिस्ट। आई होप आपको मेरी लिस्ट पसंद आई होगी। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।